गांव का जीर्णोद्धार कराया। खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और कलेक्टर ने स्थानीय अजगर चौराहे में मास्क नहीं तो सामान नहीं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश में क्योंकि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये थर्ड वेव चल रही है और उसमें देश भी हमारा अछूता नहीं है, मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस हिसाब से अवेयरनेस हमारे पूरे प्रदेश में चल रही है उससे निश्चित रूप से सब लोग जागरूक। सरदारपुर में राजस्व विभाग में फैल रहा कोरोना संक्रमण, दो पटवारियों में कोरोना की भी पुष्टि, संपर्क में आए लोगों के लिए जा रहे हैं सैंपल। नरसिंहपुर में फिल्म अभिनेत्री डॉली शाह ने अपने चाचा और परिजनों पर लगाया आरोप, कर्जवाड़ा करते हुए पैतृक जमीन हड़पने का आरोप लगाकर उसके लिए की शिकायत। जी मैं साउथ इंडियन मूवीज करती हूँ, मैं हीरोइन हूँ साउथ इंडिया में। मेरा जो स्क्रीन नेम है वो है डॉली शाह, DOLLYSH डॉली शाह। तो मैंने 4 तेलुगु मूवीज की हैं अभी तक और 1 तमिल मूवी की है और मेरी आगे आने वाली 2 मूवी और आने वाली है। पुलिस आरक्षक ने गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस लाइन के सरकारी आवास में घटना सोमवार देर रात हुई, आरोपी आरक्षक को हिरासत में लिया गया है। घटना के पीछे पति पत्नी का आपसी विवाद बताया जा रहा है। कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई थी कि जहर वाली गली गणेशपुरा में गोली चल गई है और तत्काल हमारे सब इंस्पेक्टर बालकवार मौके पर पहुंचे तो जानकारी प्राप्त हुई कि एक किसी महिला को गोली मारी गई। जब उसका वेरीफाई किया गया तो मालूम पड़ा वो एक आरक्षक है अमित, वो बाल आरक्षक के रूप। कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले, अदालत की व्यवस्था में किया गया परिवर्तन, कोर्ट परिसर में पक्षकारों के प्रवेश पर लगाई रोक, अनुमति को भय नहीं दिया जा रहा प्रवेश। हाई कोर्ट से जो हमने अपना घर बंद रखा है कोरोना को देखते हुए, वहाँ पर हमने सब चीज के लिए एक पत्र जारी किया था, वहाँ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश से हम निर्णय ले सकते हैं क्या करना है। कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन, इसमें कई लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे, किसी ने आवास योजना को लेकर आवेदन किया तो किसी ने घाटों की सफाई को लेकर लगाई गुहार। सर्वप्रथम तो बड़े पुल के पास मनकामनेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में सामुदायिक भवन का निर्माण है जिसको लेकर हम वंदे मातरम ग्रुप के कार्यकर्ता लोग आए और जनसुनवाई में आवेदन दिया। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना, पुलिस विभाग ने बनाई टीम। जैन पुलिस का एक जॉइंट अभियान चल रहा है, नगर निगम की टीम के अधिकारी चेकिंग के दौरान। बेमौसम बारिश बनी किसानों के लिए आफत, सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी भाजी और गेहूं सहित दलहन तिलहन की फसल पर पानी। अभी जो असामयिक वर्षा हुई पिछले एक हफ्ते भी पहले हुई थी अभी भी हो रही है तो धान की फसल तो खैर कट गई है, उस पर तो अभी कुछ नहीं सब हो चुका है उसका। जो हमारी गेहूं की फसल थी, चना की फसल है, जो कीड़ा लगा था जो कटाई के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री कवास लखमा के साथ उनके विभागों वाणिज्य कर एवं उद्योग विभाग की बजट तैयारियों को लेकर समीक्षा की। कोरिया में बच्चों के टीकाकरण को लेकर दिखा उत्साह, बूस्टर डोज को लेकर भी टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। वर्तमान में 3 जनवरी से जो हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण जिला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे पास लगभग 39,000 बच्चों का टारगेट, 188 स्कूलों में 31,576 बच्चे। महेशपुर के सिविल अस्पताल में लगाए गए बूस्टर डोज, 60 प्लस और फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज लगाए गए, फिलहाल बनाया गया है 1 ही सेंटर। क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि आज से जितने भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीज है, उनको और जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको सभी को बूस्टर डोज लगना चालू है। रायसेन में 100 सदस्यीय शौर्य दल का भव्य स्वागत, रहवासियों ने की पुष्प वर्षा,
भारत की गौरवशाली वीर परंपरा की गाथा की जानकारी दे रहा शॉर्ट दल। गन्नौर में बीजेपी नेता अमिता बागरी ने किया धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण, किसानों की समस्याएं सुनी, बेमौसम बारिश की वजह से परेशान हैं किसान। दतिया में आदिवासी परिवार के समर्थन में आया सहारिया क्रांति संगठन, पैदल मार्च करके एएसपी को दिया ज्ञापन, जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ धरना प्राप्त हुआ है। ज्ञापन को मेरे द्वारा पढ़ा गया है, इसमें निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होते हैं, तो बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई कर देंगे। मैं इनको आश्वस्त भी कर रहा हूँ और इनसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि वो अपने घरों में जाएं, इसमें शीघ्र ही हम लोग कर रहे हैं। मुरैना पुलिस आरक्षक अनीश खान ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, गृह कलेश से परेशान होकर दिया वारदात को अंजाम। इंदौर में अपर कलेक्टर ने कहा अतिक्रमण मखमल में टाट के पैबंद जैसा, इससे नगर की सुंदरता खराब होती है, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अतिक्रमण। जो इंस्पेक्शन है मेरा, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि देपालपुर बहुत तेजी से उभरता हुआ नगर है हमारा, और यहाँ पे किस तरीके से फ्यूचर को देखते हुए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, बेहतर सिविक सर्विसेज हम लोगों की बने, इसके संदर्भ में। गाडरवारा में डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे गए समाज सेवी आशीष राय, कोरोना गाइडलाइन की वजह से डाक से डॉक्टरेट उपाधि सम्मान पत्र। कार्यों पर पिछले 12 से सेवा में किए गए कार्यों पर विगत दिवस मैजिक एवं आर्ट यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त मैजिक इंडिया गोपाल प्रकाश द्वारा मुझे डॉक्टरेट के मानक उपाधि से नवाजा गया, जिसके लिए मैजिक लोक इंडिया के लिए भी मैं कृतज्ञता। नगर निगम के वाहन ने 3 को रौंदा, 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, रहवासियों ने हंगामा कर वाहन चालक को पीटा। हाँ, अभी तक सूचना मिली है कि ये जो नगर निगम की गाड़ियाँ चलती है, ये ट्रेंचिंग ग्राउंड में जाती कचरा डालने के लिए, ये गाड़ी संभवतः उधर से आ रही थी, तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 घायल है और 1 बालिका खत्म हो गई है। गाड़ी वगैरह हमने कब्जे में। सेंधवा राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। हरदोलाला की तराना स्थित मंदिर पर रामायण पाठ और भंडारे का आयोजन, भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा और आशीर्वाद। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का बड़ा बयान, सरकार की मंशा की चुनाव ना होने पर वर्तमान सरपंचों पर ही रहे अधिकार, सरपंच पंचों की मांग को बताया जाए। लोग ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चूंकि वो चुने हुए हैं और चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात से सहमत हूं और सरकार भी की भी मंशा इसी तरह की है। कांग्रेस के वो सभी किसानों की धान की जो अभी SMS नहीं मिले हैं, धान की तुलाई नहीं हो रही है, 15 जनवरी तक की धान की तुलाई के लिए नियत किया गया था। होशंगाबाद में सांडिया रोड पर साई सिलारी ढाबी के पास हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, 2 बच्चे हुए घायल। जो भी ड्यूटी खड़ा
राम जैसी सुहागपुर के रहवासी हैं, जो कि जूनावानी गांव से अपने बच्चों के मामा के यहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेकर लौट रहे थे, जिनकी इस चाय से ये सिलारी बड़ी सिलारी के पास में दुर्भाग्य आईजी ग्रामीण और जिला पंचायत सीईओ के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बूस्टर डोज लगवाया। कलेक्टर परिसर पर विशेष रूप से सजाया गया। भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद। थाना के गेट के सामने चुरा ले गए गाड़ी। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मंत्री मीना सिंह ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आदिवासियों के हित में सर्वाधिक कार्य किया है। इसका काम कांग्रेस अपने 50 साल के कार्यकाल में नहीं कर सके। ये अभी तो निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन का जवाब कर सकते हैं, क्योंकि बनावट तहसील के ग्राम अजंदा में अखिल भारतीय शिरडी महासभा मध्य प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव सर्वानुमति से हुआ संपन्न। कांतिलाल किशोर जी गहलोत कोक्षिस अखिल भारतीय शिरडी महासभा महासचिव। समाज के युवाओं के लिए हमारा ये संदेश है कि अभी तक समाज के अंदर बुंदेलखंड की प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी अछरू माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। मंदिर की मेन गुल्लक का ताला तोड़कर करीब 2 लाख रुपए की चोरी की। लोगों में आक्रोश। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा तीसरा बूस्टर डोज। फ्रंटलाइन वर्कर्स में उत्साह। प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ ले रहा जिंदगी का तीसरा डोज। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह का डोज लग रहा है? आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एवं 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग कोमॉर्बिडिटी के साथ वाले हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रिवेंशन प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। भाजपा नगर मंडल महामंत्री रवि एरन के घर पर दिन दहाड़े लाखों रुपए की जेवरात लूटे। 4 बदमाशों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर दिया लूट की वारदात को अंजाम। जिला चिकित्सालय में फ्रंटलाइन वर्कर को लग रहा तीसरा बूस्टर डोज। फ्रंटलाइन वर्करों में उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। रैक लगने से ट्रकों के आवागमन से नागरिकों और राहगीरों का चलना हुआ दूभर। नागरिकों ने और स्कूल के बच्चों ने किया चक्का जाम। उज्जैन के देवास नानाखेड़ा रोड पर 2 स्कूल बसों में भिड़ंत। संदीपनी स्कूल की बस ने ज्ञान सागर स्कूल बस को मारी टक्कर। टक्कर में ज्ञान सागर स्कूल की बस पलटी। ड्राइवर और कंडक्टर को आई चोट।
60 साल से अधिक उम्र वालों को बूस्टर डोज की हुई शुरुआत। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने का काम शुरू। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा बूस्टर डोज।